टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ दोस्तों गुजरात रिफाइनरी के लिए जो है थर्मोडायनेमिक्स के जो है अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले जो है थोड़ी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर जो है वो क्वेश्चन देखेंगे जिनको आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। जैसे कि हमने पहले जो है सिलेबस में ही बताया था कि जो है थर्मोडायनेमिक्स के 8 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, तो 8 क्वेश्चन एक अपने आप में बहुत ज़्यादा है, तो उन क्वेश्चनों को तो मैंने रखा ही रखा है। इसके अलावा जो है अन्य जितनी भी रिफाइनरी में या कोई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इससे संबंधित क्वेश्चन आया है उसको भी मैंने जो है इसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो जितना हिंट जो है हाथ से मैंने लिखे हैं क्वेश्चन वो सारे आए हुए हैं। लास्ट में हम जो है एक प्रैक्टिस जो है सेट देंगे थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें पूरा पूरा आपका अप्रोक्स जो है थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं थ्योरी पोर्शन का, क्योंकि थ्योरी पोर्शन कर लेंगे तो जो है ऑब्जेक्टिव समझने में आसानी होगी। तो यूनिवर्स जो हमारा बना है, यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, सिस्टम और सराउंडिंग से। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है हमारा सिस्टम और सराउंडिंग से बना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सिस्टम किसे कहते हैं। तो सिस्टम जो है पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, यानी कि सिस्टम जो है यूनिवर्स का एक पार्ट है जहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है बनाया जा रहा है या जो है कोई भी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है ना। नेक्स्ट है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, तो सिस्टम को छोड़ दें तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, है ना। बाउंड्री, बाउंड्री कहते हैं दोस्तों द वॉल दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द जो है फ्रॉम द बाउंड्री नोन एज मतलब सराउंडिंग नोन एज बाउंड्री, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग को जो अलग करने की जो दीवार है उसे ही बाउंड्री कहते हैं ना। ओपन सिस्टम क्या होता है, तो देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि कहने का मतलब है ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि जहाँ पे जो है एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो ही, साथ साथ जो है मैटर का भी ट्रांसफ़र हो, तो उसे कहेंगे जो है एक तरह से ओपन सिस्टम। जैसे आप जो है पानी को गर्म कर रहे हो, ओपन एटमोसफेयर में पानी को आप हीटअप कीजिए, तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो है कुछ जैसे जैसे हीट सप्लाई करेंगे आप, तो लास्ट टाइम में पूरा पूरा जो है वाटर जो है पूरी तरह से बॉयल होकर पूरी की तरह से जो है एक तरह से वेपराइज हो जाएगा, यानी कि मास का पूरा पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है हीट का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। ये जो है इसमें जो है नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर का तो कोई एक्सचेंज नहीं होता लेकिन जो है एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जैसे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर देख लीजिए, तो अगर सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है तो ट्यूब में आप कूलिंग वाटर डाल दीजिए और सेल जो है सेल में आप जो है एक तरह से स्टीम डाल दीजिए, तो आप देखोगे कि मिक्सिंग नहीं हो रही है लेकिन जो है एक तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना, हीट जो है एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन जो है आपका मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब होता है कि नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज ए मैटर, यानी कि इसमें जो है ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ना ही मैटर का, है ना। जैसे थर्मल फ्लक्स में रखा हुआ आप देखते हो कि चाय को गर्म रखने के लिए एक थर्मल फ्लक्स जो होता है आइसोलेटेड होता है, उसमें जैसे का तैसे वो पड़ा रहता है 8 घंटे 10 घंटे, है ना। नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल क्या होती है, तो स्टेट वेरिएबल या इसे कहते हैं स्टेट फंक्शन, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज़ डिस्क्राइब बाय इट्स मेजरेबल या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो है स्टेट जो है फंक्शन जो है अगर उसको डिस्क्राइब करना है तो आप ओनली जो है उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी ले लीजिए या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ले लीजिए, और ये जो है डिपेंड नहीं करता कि वो कौन सा जो है एक तरह से वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो ओनली जो है ये कहने का मतलब यह है कि वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट इज रीच, यानी कि जो है बस उसके जो है स्टेट पे जो है एक तरह से उसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है, बाकी किस अवस्था से प्राप्त की गई है, कैसे रीच की गई है वो स्टेट उस पर नहीं, है ना। जैसे
इसका एग्जांपल है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसका अपोजिट जो है पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन में जो है कौन सा जो है पाथ उसने फॉलोअप किया उसको लेके चलते हैं ना। नेक्स्ट है मैथमेटिकली इक्वेशन पूछता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो जो है हीट सप्लाई प्लस वर्क का एक तरह से एडिशन होती है, ठीक है। एंथैल्पी का फार्मूला जो है डेल्टा एच बराबर होता है एच यू प्लस पी वी, है ना। अगर जो है डेल्टा एच निगेटिव है यानी कि रिएक्शन क्या होगी एक्सोथर्मिक होगी, यदि डेल्टा एच की वैल्यू जो है यानी एंथैल्पी की वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो रिएक्शन इंडोथर्मिक होगी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द क्वांटिटी या साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हैं जो ओनली जो है मैटर पे और मैटर की साइज पे डिपेंड करती हैं, है ना। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है। ये जो है ओनली जो है मास पे डिपेंड करेंगे, है ना, और उसके साइज पे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लें तो जैसे मास का एग्जांपल ले लें, मास जो है एक तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम कह दें कि 500 लीटर जो है भरा है कोई बर्तन, ठीक है, उसमें 200 और लीटर भर दो तो वो क्या हो जाएगा, 700 लीटर हो जाएगा, यानी कि वो चेंज हो जा रहा है ना। तो ये जो है मास पे डिपेंड किया, यानी कि और थोड़ा सा मास डाले तो वो चेंज हो गया उसकी प्रॉपर्टी। तो ये इस तरह जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहेंगे, है ना। और अगर जो है वॉल्यूम का एग्जांपल लें तो वॉल्यूम जैसे जैसे जो है साइज बढ़ाते जाएंगे तो जो है पहले जो है उसका जो है वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। जैसे छोटा सिलेंडर है फिर बड़ा सिलेंडर हो जाएगा, यानी कि साइज पे डिपेंड कर रहा है ये भी, है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, जो मैटर और जो है साइज पे या क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव। इंटेंसिटिव ये जो है दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे, नहीं साइज ऑफ मैटर, मैटर की साइज पे डिपेंड करेंगे, है ना। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। जैसे एक मैं बताऊं जो है टेम्परेचर का या प्रेशर का, तो टेम्परेचर का एग्जांपल देखते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कोई एक जो है तालाब का पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री है, ठीक है। अब उसमें जो है आप जो है उसी तालाब में और जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का और पानी डाल दो, कहीं से भी ला के दूसरे तालाब से ला के डाल दो, तो फिर भी उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा, एम्बियंट टेम्परेचर ही रहेगा उस पानी का, है ना। या कोई चीज़ जो है 48 डिग्री या 50 डिग्री का कोई टेम्परेचर का पानी है उसमें और 50 डिग्री या 48 डिग्री का पानी और मिला दो तो टेम्परेचर वहीं का वहीं रहेगा, टेम्परेचर बदलेगा नहीं, वो जो है उसके क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर जो है, या एक प्रेशर का ले लो, तो हम चाहे रूम में रहें, चाहे हम जंगल में रहें, चाहे हम जो है शहर में रहें, कहीं भी रहेंगे तो हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 kg ही रहेगा। तो हम कहीं भी चले जाएं, है ना, तो प्रेशर भी जो है एक तरह से क्वांटिटी या जो है साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो है एक तरह से इंडिपेंडेंट ऑफ जो है आपकी क्वांटिटी या साइज ऑफ मैटर पे है, ठीक है। तो इस तरह से प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई। डेंसिटी दोस्तों क्या है कि डेंसिटी क्यों जो है एक तरह से इंटेंसिव है, क्योंकि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू एम बाई वी। एम भी एक तरह से एक्सटेंसिव है और वी भी एक तरह से एक्सटेंसिव है, तो दोनों का रेशियो जो हो जाएगा इंटेंसिव, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके अलावा जो एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर या रेंडमनेस। ये जो है डिसऑर्डर या रेंडमनेस को शो करती है ना। जैसे एग्जांपल में देखें तो सॉलिड के पार्टिकल जो है एक तरह से एकदम लीनियर स्ट्रक्चर में बने होते हैं, उसमें रेंडमनेस बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर गैस के देखें मालिक्यूल, तो कहीं गैस इधर उधर उड़ते रहते हैं, कोई पार्टिकल कहीं और जा रहा है, कहीं कोई और जा रहा है, तो इस तरह से उसके अगर रेंडमनेस बात करें तो गैस में रेंडमनेस ज़्यादा होगा, सॉलिड में रेंडमनेस कम होगी, है ना। तो इसी को जो है एंट्रोपी एक तरह से मेजर करती है, ठीक है। और मेजर करने का इसका फार्मूला क्या है,
डेल एस इक्वल टू होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, जैसे आइसोथर्मल में क्या होता है, तो आइसोथर्मल में आइसो का मतलब होता है समान, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। आइसोबेरिक में, तो बेरिक मतलब बैरोमेट्रिक यानी कि प्रेशर से है, तो आइसोबेरिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, और इसे जो है आइसोपेस्टिक भी कहते हैं ना, PIESTIC, है ना, इसको कहीं ऐसा आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होजिएगा, है ना। आइसोकोरिक का मतलब होता है आइसो मतलब समान, कोरिक मतलब वैल्यूम, तो वैल्यूम जो है समान जहाँ पे हो यानी कांस्टेंट हो वहाँ पे आइसोकोरिक कहेंगे। एडियाबेटिक जहाँ पे कोई हीट न सिस्टम से अंदर आ रही है ना बाहर की तरफ जा रही है, यानी कि हीट का फ्लो क्या हो, जीरो हो, तो उसे एडियाबेटिक कहेंगे। साइक्लिक प्रोसेस क्या कहेंगे दोस्तों, कि वो जो है सिस्टम जो इनिशियल स्टेट में जो है फिर से रिटर्न हो जाए उसे साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। इसेंट्रोपिक यानी कि जो है इसमें एंट्रोपिक कांस्टेंट रहती है। इसेंथैल्पिक प्रोसेस, इसमें एंथैल्पिक कांस्टेंट रहती है। इसके अलावा जो है जीरो थला जो है अपना थर्मोडायनेमिक्स का ला है, ये जीरो थला है, तो जीरो थला के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, तो अगर कोई टू सिस्टम इन अ थर्मल इक्वेरियम विथ अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर द थर्मल इक्वेरियम विथ अ ईच अदर, कहने का मतलब ये है कि यदि दो कोई सिस्टम जो है आपस में थर्मली एक्वेरियम में है और वो तीसरे के साथ जो है कांटेक्ट में है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो तीनों जो है एक तरह से थर्मल एक्वेरियम में आ जाएंगे। ठीक है, और यूरोथला के कंसेप्ट पे ही जो है टेम्परेचर का ओरिजिन हुआ, और ये बताया गया कि जो है टेम्परेचर जो है एक तरह से हायर साइड से लोअर साइड की तरफ जाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है दोस्तों, इट इज़ अ कॉमनली स्टार्टेड एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पूछता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और क्या कहा जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर अ डिस्ट्रॉय। ठीक है, अगर इसका फार्मूला देखें तो डेल यू इजकल टू जो है क्यू प्लस डब्ल्यू मैथमेटिकली है, है ना, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, जो सप्लाई दी और जो काम कराए उनका योग होगा। ठीक है, सेकेंड ला, तो सेकेंड ला पूछ लेता है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या था, तो सेकेंड ला में दो स्टेटमेंट दिए थे, केल्विन और दो है क्लासियस, है ना। तो अगर हम देखें केल्विन का, तो इन्होंने ये बताया था कि नो प्रोसेस इज़ पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट आर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर एंड कम्प्लीटली कन्वर्जन ऑफ अ हीट इनटू वर्क, यानी कि कोई ऐसा जो है सिस्टम अब तक जो है नहीं बना है जो पूरी तरह से जो दी गई जो हीट है उसको पूरी तरह से कार्य में बदल दें, टोटल का टोटल ऐसा नहीं बनी है। ठीक है, ऐसा संभव है ही नहीं कि कोई ऐसी चीज संभव है ही नहीं जो पूरी तरह से हीट को, जो सप्लाई हीट दी है आपने क्यू, उसको पूरी की पूरी तरह से जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर सके, ऐसा कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ये किसने कहा था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने। क्लॉज़ियस ने क्या कहा था, इन्होंने ये बताया था कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू द हॉटर ऑब्जेक्ट। जैसे आप भी जानते हो कि हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, तो उन्होंने यही बताया था कि कोई ऐसा आज तक कोई प्रोसेस ऐसी पॉसिबल नहीं हुई जो है हीट का ट्रांसफर जो है कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ ले जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड लॉ जो है एक तरह से एंट्रोपी का था, कि द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट अ टेम्परेचर ऑफ जीरो केल्विन इज इक्वल टू जीरो, ये था, है ना। CP माइनस CV बराबर RA किसके लिए है, तो यह आइडियल गैस के लिए है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो इंटरनल एनर्जी जो होती है ये जो एक सम होती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो उस सिस्टम में मौजूद है। ठीक है, तो इट डज नॉट इंक्लूड अ ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जिसमें जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड नहीं होता, ये ओनली जो है इंटरनल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का है उसका योग होता है। ठीक है, पाथ फंक्शन क्या होता है,
ये पूछा गया है सारे, है ना। ए पाथ फंक्शन इज अ फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड ऑन अ पाथ फॉलोड बाय द थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस। जैसे ये कह रहा है कि थर्मोडाइनेमिक्स प्रोसेस जिस जिस पाथ को फॉलो की करती है उसी पे जो है ये डिपेंड करती है ना। तो पाथ फंक्शन जो होता है वो जो है वो थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस के पाथ को जिस जो उसने फॉलो किया उसी पे डिपेंड होती है। जैसे पाथ फंक्शन में पूछता है हीट एंड वर्क दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन कह रहा है कि वेन द थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन अ फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ प्रोसेस नोन एज अ पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन में पाथ को नहीं देखा जाता, बस जो है उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखा जाता है, किस रास्ते से वो गई किस रास्ते से वापस आई उसको वो जो है नहीं कंसिडर किया जाता। और इसका एग्जाम्पल है प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या है, तो स्टेट वेरिएबल आर डिफाइंड एज द थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल विच डिपेंड ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसे ही कहते हैं जैसे जो पॉइंट फंक्शन है एक तरह से वही उसका दूसरा रूप है, लेकिन बस वही जो है आपको कंफ्यूज न हो इसलिए जो है ऐसा डिफिनीशन जो है इसका भी थोड़ा अलग कर दिया गया है कि जो है स्टेट फंक्शन है सेम वैसे ही है जो है ये ओनली जो है डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे टेम्परेचर प्रेशर इंटरनल एनर्जी डेंसिटी ये जो है स्टेट वेरिएबल है। और पाथ वेरिएबल यानी कि पाथ फंक्शन को कह रहा है तो ये भी वही है कि आर डिफाइन ऑफ द थर्मोडाइनमिक वेरिएबल विच डिपेंड ऑन अ वे, ये जो है वे को जो है डिपेंड करता है किस वे से ये प्रोसेस हुई है ना अचीव की गई, ठीक है। और इसका हीट एंड वर्क है, ठीक है। पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन या जो है आपका पाथ वेरिएबल या पॉइंट वेरिएबल दोनों एक ही है ना। नेक्स्ट लॉ ऑफ करेस्पोंडिंग। लॉ ऑफ करेस्पोंडिंग क्या है यानी कि करेस्पोंडिंग का लॉ एक तरह से क्या है, तो लॉ ऑफ करेस्पोंडिंग स्टेट से दैट टू डिफरेंट गैसेस बिहेव सिमिलर। यदि दो गैस का व्यवहार अगर समान है तो ये तभी पॉसिबल होगा इफ़ दे आर रिड्यूस प्रॉपर्टी, जब इफ़ दे आर रिड्यूस प्रॉपर्टी PVT NT सेम। यदि वो जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी को अगर वो क्या करें एक समान तरीके से जो है एक तरह से एक समान तरीके से रिड्यूस करें, ठीक है। थर्मोडाइनमिक इक्वेरियम का मतलब क्या है कि थर्मोडाइनमिक इक्वेरियम का मतलब है कि जहाँ पे थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी और केमिकल ये तीनों जो है एक तरह से क्या हो इक्वेरियम में हो तो उसे कहेंगे थर्मोडाइनमिक इक्वेरियम, ठीक है। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। एंथैल्पी क्या है, तो एंथैल्पी इज़ अ डिफाइन एज अ टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। जो सिस्टम में टोटल हीट जो है कंटेंट है उसे ही हम जो है एक तरह से एंथैल्पी कहेंगे। अगर मैथमेटिकली देखें तो H इज इक्वल टू यू प्लस PV होती है ना। अगर एंथैल्पी की वैल्यू जो है प्लस में है तो यानी कि जो है रिएक्शन इंडोथर्मिक है, और इसकी वैल्यू जो है माइनस में है तो ये एक्सोथर्मिक है ना। हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो ये होती है C इज इक्वल टू Q अपन MC डेल्टा T है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ए प्रोसेस विच अकर विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज टर्म एज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के ही वो अपने आप ही हो जाती है, स्वतः जो है स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आप जो है एक तरह से ऊंची चोटी से कोई जो है एक चीज़ पत्थर का टुकड़ा अगर नीचे की तरफ लुढ़काओगे तो उसमें जो है को जो है या कोई अगर गिर रहा है तो वो अपने आप ही स्वतः ही जो है गिरता जाएगा, उसमें बिना कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगाए ही वो अपने आप ही गिरता जाएगा। जैसे पानी का बहना, पानी जो है जैसे ही ढलान पाएगा तो स्वतः ही बह जाएगा। ज्वालामुखी का लावा जो है पिघलता है तो वो स्वतः ही पिघल जाएगा, उसमें कोई एक्सटर्नल जाके वहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है ना। तो ऐसी प्रोसेस जो स्वतः हो जाती है उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, और इसी का उल्टा जो है एक तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अगर कप में कॉफ़ी है तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है, तो कप कप में कोई अगर कॉफ़ी है
तो वो एक तरह से जो है ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी जो है गर्म होगी तो वो वेपराइज होकर मॉइस्चर वगैरह सब कुछ क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ गया, यानी कि हीट के साथ साथ मास का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडियाबेटिक वॉल क्या होती है। तो एडियाबेटिक वॉल जो होती है एन इंसुलेटिंग वॉल दैट कैन बी रिमूवल, एक ऐसे इंसुलेटिंग वॉल होती है जिसे रिमूव भी कर सकते हो, और इसका काम ये है डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ एनर्जी हीट फ्रॉम अ वन टू अनदर। इसका ये काम है कि ये अलाउ नहीं करते हैं एनर्जी को वन टू अनदर, एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी को अलाउ नहीं करते। इसी का उल्टा होता है डायथर्मिक वॉल, ये जो होते हैं एक कंडक्टिंग वॉल होती है दैट अलाउ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर, है ना, ये अलाउ करती है। ठीक है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो आना ही है, जैसे आइसोथर्मल में क्यू की वैल्यू क्या होती है और डेल यू यानी कि जो है इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डेल यू की वैल्यू क्या होती है, आइसोबेरिक में क्यू की वैल्यू क्या होती है, डेल एच का वैल्यू क्या होता है, एडियाबेटिक में, है ना। तो इसको जो है मैंने बड़े शॉर्ट में लिखा, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस को और क्या कह सकते हैं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस को इसेंट्रोपिक प्रोसेस करते हैं जहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, तो साइक्लिक प्रोसेस जो है जो वो प्रोसेस है जिसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। ये जो है एक तरह से इनिशियल और फाइनल जो है एक तरह से एक ही अवस्था में आ जाती हैं, और इसमें जो है एक तरह से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है डेल्टा एच की वैल्यू जीरो, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल ई की वैल्यू जीरो, डेल एच का वैल्यू जीरो। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है या थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू जीरो, डब्ल्यू की वैल्यू जीरो, तो वो प्रोसेस हमारे एक्सपेंशन प्रोसेस या थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहलाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। तो थ्योरी तो हमने आपको बता दिया, आप क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट केप इन अ लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री टेक 12 मिनट टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री टू 70 डिग्री, द टाइम टेकन टू कूल फॉर द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 70 टू जो है 60 डिग्री वुड बी नियरली। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक रूम का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री, और कोई और जो है कोई कप में कोई जो है एक तरह से चीज़ रखा है, सॉल्यूशन रखा है या कुछ भी रखा है जिसका टेम्परेचर जो है 80 है। ठीक है, तो 80 डिग्री से जब वो 70 डिग्री पर आया, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री आने में उसको उसने क्या किया, 12 मिनट ले लिए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि अब जो है 70 डिग्री से 60 डिग्री आने में वो कितना समय लेगा, ठंडा होने में कितना समय लेगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कह रहा है कि कहीं एक छोटा सा कप मान लीजिए, कप में कोई चाय रखी है, तो जब कप में कोई चाय रखी है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री है, तो वो चाय जो है 80 डिग्री से 70 डिग्री जब जो है टेम्परेचर ठंडा की तो 12 मिनट ले ली। अब जो है वही चाय जो है अब 70 डिग्री से अगर 60 डिग्री तक कूलिंग करेगी या उतने तक ठंडा करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके आने का बहुत चांस है। ठीक है, अगर तो इस ऐसे सॉल्व को अगर ट्रिक से समझना है तो ये दोस्तों डेढ़ गुना होगा, है ना, पहले टाइम का जो है डेढ़ गुना ज़्यादा लगेगा, जैसे या 1.4 गुना ज़्यादा लगेगा, ये समझिए। जैसे इसने क्या किया था, 80 डिग्री से 70 डिग्री आने में कितना टाइम ले लिया, 12 मिनट ले लिया, तो 12 मिनट का ये क्या होगा 1.4 गुना होगा, तो 12 गुणे 1.4 करेंगे तो 16.8 जो किसके आसपास है, 15 मिनट के आसपास है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट है कि शॉर्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि इतने से इतने आए इतने मिनट में, अब जो इतने से इतने कितने मिनट में आएगा, तो आप पहले का जो डिफरेंस है मिनट का उसमें 1.4 का गुणा कर देंगे तो आसपास की वैल्यू आ जाएगी।
अगर नहीं आ रही है, अगर लॉन्ग में समझना है तो उसके लिए ये फार्मूला है आपका। फार्मूला क्या है दोस्तों, थीटा वन माइनस थीटा टू अपन टी इजकल टू के थीटा वन प्लस थीटा टू अपन टू माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा वन थीटा टू क्या है दोस्तों, ये वही टेम्परेचर है इनिशियल और फाइनल वाला, ठीक है। और टी क्या है, समय है, जो पहला जो समय है वो है, ठीक है। और जो है ओनली थीटा क्या है, तो थीटा जो है एक तरह से एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम के की वैल्यू निकालेंगे, थीटा वन माइनस थीटा टू अपन टी इजकल टू के और ब्रैकेट में थीटा वन प्लस थीटा टू अपन टू माइनस थीटा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम दोस्तों के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब जो है के की वैल्यू निकालिए, तो उसे इक्वेशन में रख दीजिए। तो थीटा वन 80 से कहाँ तक लाया था, 70 तक, है ना। एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री है, ठीक है। टी कितना लिया था, टाइम सेकेंड 12, ठीक है। तो बस रख लीजिए पहले में, 80 माइनस 70 अपन 12 इजकल टू के, 80 प्लस 70 अपन 2 माइनस 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 80 में से 70 घटाएंगे तो 10 बटा 12 हो जाएगा, और के ये जो हो जाएगा 150 बाई 2 माइनस 25, है ना। इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो 1/60 आएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/60 आ जाएगी। अगेन अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा, दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि अब जो है 70 से 60 लाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 70 से 60 लाने के लिए जो है अब क्या करेंगे, फार्मूला वहीं फिर रखेंगे, क्यू वन माइनस क्यू टू अपन टी इजकल टू के क्यू वन प्लस क्यू टू अपन टू माइनस थीटा, ठीक है। अब जो क्यू वन माइनस क्यू टू तो बदल जाएगा स्टेटमेंट दो के जगह पे, तो अब 70 माइनस 60 अपन टी, टी की वैल्यू तो दिया नहीं है तो टी हो जाएगा, के की वैल्यू मिल गई हमें 1/60 वो रख लो, और 70 प्लस 60 बाई 2 माइनस 25 इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू जो है 15 निकल के आ जाएगी, जो एकदम एक्यूरेट रहेगी। अगर जल्दी जल्दी करना है तो 1.4 गुना कर दीजिए, वो निकल के आ जाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपली है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं 100% आते हैं, तो एक बार ये न्यूमेरिकल समझ लीजिएगा। और ये दोस्तों एक तरह से कौन सा न्यूमेरिकल किस पे है, तो ये न्यूटन्स कूलिंग लॉ पे है। न्यूटन्स का कूलिंग नियम क्या था कि किसी वस्तु के ठंडे होने की जो दर है उसके बाहरी वातावरण पे निर्भर करती है, यानी कि बाहरी वातावरण अगर जो है ज़्यादा रहेगा तो वो जो है जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना जल्दी ठंडी कोई चीज़ होगी, है ना। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे अगर पहले इसने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो है 80 से 70 उसने जब किया 12 मिनट में, तो अब 70 से जो 60 करेगी वो हमेशा 12 मिनट से ऊपर ही करेगी, 12 मिनट से ऊपर ही करेगी, 12 मिनट से कम नहीं करेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा न्यूमेरिकल आया था गिब्स फ्री एनर्जी पे, तो गिब्स फ्री एनर्जी का एग्जैक्ट जो है मुझे न्यूमेरिकल वो याद नहीं है। तो ये जो है गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी बराबर होता है डेल एच माइनस डेल टी एस, है ना। और अगर जो है ये गिब्स फ्री एनर्जी का रोल क्या है, तो इसमें डेल जी की वैल्यू निकालते हैं, अगर डेल जी की वैल्यू जो है निगेटिव आ रही है तो प्रोसेस एक तरह से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, निगेटिव पे स्पॉन्टेनियस और पॉजिटिव पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। और तीसरा जो है गिब्स फेज रूल पे न्यूमेरिकल आते हैं, और ये दोस्तों क्या है, गिब्स फेज रूल f इजकल टू हमारा होता है c माइनस p प्लस 2, ठीक है। अब जो है जहाँ पे f क्या है, f हमारा जो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और c जो है कंपोनेंट है, p जो है फेज है, ठीक है। जैसे अगर अब इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो थर्ड के लिए पूछा था जो है क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम दो और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि कोई जो है बर्फ है ना, तो सिंगल कंपोनेंट यानी कि बर्फ है, तो बर्फ पे जो है एक तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी, तो बर्फ के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो पी इजकल टू क्या, फेज कौन सा है, आइस है, आइस यानी कि एक फेज है ना, तो पी बराबर 1 हो जाएगा। और सी कंपोनेंट क्या है, तो बर्फ ही है, तो यानी कंपोनेंट एक ही है, सॉलिड कंपोनेंट है ना,
तो उसमें भी एक हो जाएगा। तो एफ़ की वैल्यू निकाल दीजिए, सी की वैल्यू 1 रख लीजिए, पी की वैल्यू 1 रख लीजिए, तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 2, यानी कि एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर दो फेज है, जैसे कोई लिक्विड है, पानी, पानी जो है स्टीम बन जा रहा है, तो फेज 2 हो गए हैं ना, तो कंपोनेंट पी इजिकल टू फेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट दोस्तों एक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पानी है, पानी का ही तो फॉर्म है, तो फेज यहाँ पे एक ही रहेगा। अगर पानी और नमक कह जाता तो वहाँ पे फेज 2 हो जा सॉरी कंपोनेंट 2 हो जाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट एक ही है, पानी है, पानी का ही तो रूप स्टीम है, तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 हो जाएगा, फेज जो है 2 है, क्योंकि लिक्विड और गैस फेज हैं, 2 फेज हो गए। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, एफ इजिकल टू हो जाएगा 1 - 2 + 2, यानी कि एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 3 के लिए कह दूँ, 3 फेज के लिए, कि सबसे पहले आइस हुआ, फिर उसको हीट दिए तो जो है लिक्विड में बदला, फिर उसको हीट दिए तो वो स्टीम हो गया, तो फेज यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 3, लेकिन कंपोनेंट तो एक ही है, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ही है, स्टीम ही है, है ना, स्टीम कह लो, वाटर कह लो, या वो जो है आइस कह लो, कहीं अगर आइस के साथ कुछ और डाल दे, ऑक्सीजन डाल दे, या जो है ब्राइन सोल्यूशन बोल दे, या कुछ और बोल दे, तो फेज जो है कंपोनेंट अलग हो जाता है, लेकिन कंपोनेंट यहाँ पे तो एक ही है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन आया था कि 3 फेज के लिए जो है आपका एक तरह से नंबर ऑफ फ्रीडम कितना है, तो कंपोनेंट सी इजकल टू 1 हो जाएगा, फेज 3 हो जाएगा, तो बस वहीं रख लीजिए, या फिजकल टू सी माइनस पी प्लस 2, यानी कि जो है 4 - 3, एक तरह से 3 - 3, यानी कि फेज फ्रीडम क्या हो जाएगा, जो है 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इनको एक बार और देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करा रहा हूँ जो थर्मोडाइनेमिक्स में अब तक आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, या ये जो है आइसोलेटेड सिस्टम, या क्वासी एक्वेरियम, या नॉन फ्लो एडियाबेटिक सिस्टम, इनसे क्वेश्चन आया, बस थ्योरी थ्योरी, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल पूछा है, होमोजीनियस का एग्जांपल पूछा है, सेग्रेशन सिस्टम के बारे में पूछा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा है कि इसमें से कौन है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में पूछा है। इसके अलावा जो है सिस्टम सराउंडिंग, बाउंड्री लेयर वगैरह पूछा है ना, और इसके अलावा जो है क्वेश्चन और जो है आया है, द स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मोमेट्री इज, तो थर्मोमेट्री में स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट किसको लिया गया, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को लिया गया। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। वर्क डन इज 0 फॉर, वर्क डन किसके लिए 0 होता है, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है, फ्री एक्सपेंशन के लिए भी वर्क डन 0 होता है, और थ्रोटलिंग में भी वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस अप्रोक्सीमेट द स्टीमिंग ऑफ फूड इन अ प्रेशर कुकर, जब हम प्रेशर कुकर में कोई खाना बनाते हैं, पकाते हैं, तो उस समय कौन सी प्रोसेस यूज होती है, तो उसमें दोस्तों आइसोकोरिक होती है। आइसोकोरिक मतलब जो है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है, जैसे प्रेशर कुकर है, 2 लीटर का है, 5 लीटर का है, आप जाते हो दुकान पे तो कहते हो कि भैया 2 लीटर का दे दो, तो उसका वॉल्यूम तो 2 ही लीटर है, वो 2 ही लीटर ही उसमें आएगा, ऐसा तो नहीं है कि उसको वो 5 लीटर का हो गया, 10 लीटर का हो गया। तो कुकर में कोई भी खाना आप बनाएंगे तो वो एक तरह से उसमें जो है आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ है, वहाँ पे वॉल्यूम जो है एक तरह से कॉन्स्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन से क्वेश्चन पूछा था, ये अभी जो है आगे चल के देखेंगे क्या क्या है। नेक्स्ट है द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ऑन, जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस का किस पे डिपेंड करती है, तो ये दोस्तों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, टेम्परेचर ओनली इसका सही आंसर हो रहा है ना। एट गिवन टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, जो इंटरनल एनर्जी की बात करें तो लिक्विड में स्टेट में जो है कम होती है और गैसेस स्टेट में जो है एक तरह से ज़्यादा होती है ना, कहने का मतलब ये है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड स्टेट इज लेस देन दैट ऑफ अ गैस स्टेट, ठीक है। इसके अलावा जो है 1 जूल इज इक्वल टू पूछा है, तो न्यूटन इंटू मीटर होगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर पूछ दे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है, तो यह वह टेम्परेचर है जिसे
कह सकते हैं कि ये जो है वो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में होता है, जो थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे आके कोई भी गैसों का जो है मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल जो मोशन नहीं करती हैं इस टेम्परेचर पे आके। ठीक है, कह रहे व्हेन आइस मेल्ट देन वॉल्यूम डिक्रीज, है ना, अगर बर्फ पिघलेगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, घट जाएगा। अगर नहीं आपको जो है पता प्रैक्टिकल में करना है तो एक बाल्टी में पूरा बर्फ जो है भर दीजिए, ठीक है, पूरी बाल्टी बर्फ की भर जाएगी। अब जब पिघलेगी तो देखेंगे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ, यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया उसका, कम हो गया। ठीक है, व्हेन एडिंग साल्ट, अगर पानी में आप जो है साल्ट ऐड कर रहे हो तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीजिंग पॉइंट दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डज़ फूड कुक फास्टर इन अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जो है आपका खाना जो है बहुत तेज़ी से क्यों पक जाता है, तो इसका सही एग्जांपल है, मतलब आंसर है कि इनसाइड द प्रेशर कुकर इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर आप गैलसुथक का नियम पढ़े हैं आप, तो उसने ये बोला था कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इनसाइड द कुकर, कुकर के अंदर यही हो रहा है, कुकर के अंदर जो है आपका प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, प्रेशर बढ़ा तो उसके हिसाब से जो है पानी की जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, और उस पानी को बॉईल करने के लिए ज़्यादा अब हीट की ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हीट ज़्यादा मिलेगी तो वो तुरंत खाना को पका देगा वहीं जो है ना। नेक्स्ट है ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या है, तो उसमें ढेर सारे एग्जांपल थे, और उसका जो सही आंसर है सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है प्रेशर एनर्जी को एक तरह से, प्रेशर एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, इसके अलावा जो है लिक्विड को भी ट्रांसफ़र कर देता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। प्रेशर कुकर, बम कैलोरी मीटर या मैनुअल आइसक्रीम फ्रीज़र, ये किस टाइप के जो है सिस्टम है, तो ये सारे जो है क्लोज सिस्टम है दोस्तों, है ना। ये सारे क्या हो जाए हैं, प्रेशर कुकर हुआ, बम कैलोरी मीटर हुआ, मैनुअल आइसक्रीम फ्रीज़र हुआ, ये सब क्या है, क्लोज सिस्टम के एग्जांपल है ना। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, तो ए फिक्स रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री लेयर, उसे हम कहेंगे कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब जहाँ पे आपका वह स्पेस, वो फिक्स स्पेस जहाँ पे जो है मास हीट और वर्क दोनों जो है बाउंड्री लेयर को एक तरह से क्रॉस करते हैं ना। नेक्स्ट है ए थर्मोडाइनमिक रिफर टू, एक थर्मोडाइनमिक क्या रिफर करते हैं, तो प्रिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाई क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये जो है एक तरह से प्रिस्क्राइब करती है, आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई भी करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर को। ठीक है, एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम का एग्जांपल क्या है, तो आइस का मिक्सचर, वाटर और स्टीम, यानी कि आइस वाटर और स्टीम ये सब के फेज अलग अलग हैं, तो ये एक तरह से हेट्रोजीनियस सिस्टम है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है, तो प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी या थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे जो है इंटेंसिव है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पिक यूनिट क्या है, तो ml स्क्वायर टीपी माइनस टू है ना। थर्मोफ्लास्क एक तरह से क्या है, तो आइसोलेटेड सिस्टम है बताया आपको। इसके अलावा पूछा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्म द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, तो आपको बताया कि जो जीरोथ लॉ है उसी से हमारा टेम्परेचर का कंसेप्ट निकल के आया है। ठीक है, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, तो जीरो होता है। अगर फ्री एक्सपेंशन ना पूछ के थ्रोटलिंग भी पूछ दे तो उसमें भी जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आया हुआ है न्यूमेरिकल वाला कि इफ़ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू जो है बिकम थ्री टाइम, तीन गुनी हो जाए तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप जानते हो क्यू इक्वल टू जो होता है एरिया और टी टू द पावर फोर होता है ना, ये जो है आपका वो बोल्टमैन नियतांक वाला आप याद करिए फार्मूला, तो वहाँ पे पाओगे कि Q इज्कल टू टी टू द पावर फोर का एक वो रिलेशन था, है ना।
इक्वल टू एरिया टी टू पावर फोर है ना। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे कहा है कि जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू जो है तीन गुना कर दो, तो टी टू द पावर फोर है यानी कि तीन पे चार हो जाएगा, ठीक है। तो तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन यानी कि तीन तरह के नौ तरह सत्ताईस तीन 81 हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जितना गुना बोले उतना, अगर दो गुना कर दे तो दो पे पावर चार कर दीजिए, अगर पाँच गुना कहे तो पाँच पे पाँच की पावर चार कर दीजिए यानी पाँच गुड़े पाँच गुड़े पाँच गुड़े पाँच, बिल्कुल रट्टा मान लो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का फार्मूला क्या है, तो की इक्वल टू एम एल होता है, या एम मास है एल लेटेंट हीट है ना, आइसोबेरिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है। तो अगर आप आइसोबेरिक एक्सपेंशन करेंगे गैस का, यानी कि गैस का एक्सपेंशन करा रहे हो लेकिन जो वो आइसोबेरिक है यानी प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में जो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन, यदि जो है सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दो तो कारनॉट इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ वाटर अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप वाटर को हीट कर रहे हैं तो वो एक तरह से कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, तो वो एक तरह से आइसोबेरिक, क्योंकि वहाँ पे एटमोस्फेरिक बोल दिया है यानी कि वन ही एटमोस्फेरिक है यानी प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन, तो जो रेफ्रिजरेटर का फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आता है। नेक्स्ट है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, जबकि एंट्रोपी क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है ए रेफ्रिजरेटर में भी टर्म एज, रेफ्रिजरेटर एक तरह से क्या है, तो वो एक तरह से हीट पंप है, इसके अलावा जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम एट अ ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट पे पूछ लिया, जहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे हमने क्या बताया था दोस्तों, कि ट्रिपल पॉइंट पे आपका लिक्विड भी रहेगा, सॉलिड भी रहेगा और जो है गैस भी रहेगा, ठीक है, आइस लिक्विड और स्टीम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है ट्रिपल पॉइंट पे फेज क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, कंपोनेंट एक ही है वाटर ही, मतलब वाटर कह लो H2O ही है ना, उस लेके फेज उसके अलग अलग हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया अपना, हाँ ये है। तो नेक्स्ट है थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ एन सिस्टम, क्या है इसका थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी आफ्टर सिस्टम, ये एंट्रोपी है, ये इसमें जो है, हाँ थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है ना, थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या है, एंट्रोपी है ना। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एजोट्रोपिक मिक्सचर, यह फिर क्वेश्चन आया है कि एजोट्रोपिक मिक्सचर के लिए जो है नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो बस फार्मूला लगाइए एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। तो फेज भी वन हो जाएगा, कंपोनेंट भी वन होगा, क्योंकि जो है आपका एक तरह से एजोट्रोपिक मिक्सचर एक साथ कंडेंस होंगे, एक साथ जो है लिक्विडफाई होंगे, तो यहाँ पे जो है आपका कंपोजिशन जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, एजोट्रोपिक मिक्सचर वेपर कंपोजिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिक्विड कंपोजिशन, लिक्विड के कंपोजिशन के बराबर आपका वेपर का कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू जो है वन होगी, लेकिन इसमें दोस्तों आंसर मैंने ढूंढ रहा था तो इसको ऐसे लगाया था, मान लीजिए जो एजोट्रोपिक के लिए तो आपका जो है आपका कंपोनेंट दो होने चाहिए, लेकिन कंपोनेंट की वैल्यू वहाँ पे एक दे दिया है और बोला है कि जो है एजोट्रोपिक मिक्सचर है, तो दोनों एक एक साथ लिक्विडफाई होंगे, एक एक साथ जो है वेपर फेज में होंगे, तो वहाँ पे सी की वैल्यू कंपोनेंट की वैल्यू पता ना क्यों एक दे दिया है, फेज की तो समझ में आ रहा है, फेज जो है एक साथ ही चेंज होंगे, एक साथ लिक्विड बनेंगे एक साथ गैस बनेंगे, तो फेज जो है एक ही रहेगा, लेकिन
यहाँ पे कंपोनेंट जो है दो हो जाना चाहिए, लेकिन जो है ऐसे ही सभी जगह लगाया और आंसर में आपका वहीं जो है एफ की वैल्यू 1 ला दिया है ना, और यही सही भी है। बाकी आपको और कोई इसका सटीक वो मिले आंसर तो बताइएगा, कि जो है एजोटोपिक मिक्सचर के लिए अगर हम कंपोनेंट नंबर ऑफ फ्रीडम निकालें तो उसमें कंपोनेंट कितना रहेगा, और फेज का तो समझ में आ रहा, फेज 1 ही रहेगा है ना, क्योंकि लिक्विड दोनों एक साथ लिक्विड बनेंगे, दोनों एक साथ गैस बनेंगे, तो फेज एक ही कोई लेंगे है ना। नेक्स्ट, एट एब्सोल्यूट जीरो सर ऑल सब्सटेंस हैव द सेम हीट कैपेसिटी, ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया। इन अ टर्बाइन द फ्लूड एक्सपेंड ऑलमोस्ट, तो एडियाबेटिकली ही एक्सपेंड करती है। मेल्टिंग ऑफ आइस ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सी ओ प्लस एच टू ओ गिव ऑफ सी ओ टू प्लस एच टू, ये एक तरह से बोल रहा है कि ये एक तरह से एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तब फेवरेबल कंडीशन क्या होगी। तो अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो फेवरेबल कंडीशन होगी, एक्जोथर्मिक पहले से ही है तो लो टेम्परेचर हो जाएगा और हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्जोथर्मिक में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर निकलता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है फुगासिटी एक तरह से किसके लिए हेल्पफुल है, तो रियल गैस के बिहेवियर को पता करने के लिए फुगासिटी जो है एक तरह से हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे द आइडियल गैस लॉ ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, तो उसे बॉयल टेम्परेचर कहेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों है ना। नेक्स्ट है इन मॉलिकुलर डायग्राम द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एक्सेस आर रिप्रेजेंट बाई, तो ये मोलियर डायग्राम के बारे में पूछा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है उस पर क्या क्या हम लेते हैं। तो मैंने बताया था कि कोई भी ग्राफ पढ़िए तो वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्या क्या आ रहा है वो ज़रूर याद रखें। तो वर्टिकल अगर देखें तो एंथैल्पी को लिया गया है, और हॉरिजॉन्टल देखें तो एंट्रोपी को लिया गया है। मोलियर डायग्राम में एंट्रोपी और एंथैल्पी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें से दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो पूछेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो सबसे पहले जो है पहला प्रेशर है, तो प्रेशर आपको बताया प्रेशर इंटेंसिव है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, नहीं साइज पे है ना, उसको आधा कर दो दो गुना कर दो तो उस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आप घर बनाइए और घर में 10 कमरे बना देंगे तो भी जो है हर कमरे का प्रेशर जो होगा 8 एटमोसफेयर ही लगेगा। टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर भी एक तरह से मास पे डिपेंड नहीं करता, जैसे 45 डिग्री का खोलते हुए पानी को आप जो है 5 लीटर जो है 5 लीटर आप जो है 50 डिग्री का पानी ले लीजिए, उसको अलग अलग जो है पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो भी उसका हर एक टेम्परेचर उतना ही निकल के आ गया, यानी कि मास पे डिपेंड आधा करो दो गुना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेंसिटी का मैं बताया था, डेंसिटी किस लिए है, क्योंकि इसमें जो है एम और वी यानी कि दो इंटेंसिव का जो है दो इंटेंसिव जो है एक तरह से आपका क्या बनाते हैं एक्सटेंसिव, दो मिलके एक इंटेंसिव बनाते हैं, इसीलिए जो है डेंसिटी जो है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंसंट्रेशन दोस्तों, कंसंट्रेशन का मतलब कि जैसे अगर कोई कह दिया कि 70% कंसंट्रेशन का जो है नमक सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है, तो उस नमक सॉल्यूशन को आधा करो दो गुना करो जो है छोटे छोटे वसल में रखो तब भी उनका कंसंट्रेशन उतना ही रहेगा, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पानी का चाहे 1 कप पानी ले लो चाहे 1000 लीटर कप पानी ले लो, सबकी जो है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वही कांस्टेंट ही रहेगा है ना, बॉइलिंग पॉइंट 100 और मेल्टिंग पॉइंट 0 है ना। सरफेस टेंशन सबका चाहे पानी 1 लीटर रहे चाहे 2 लीटर रहे उसका जो है सरफेस टेंशन उतना ही रहेगा जितना मान लिया गया है। विस्कोसिटी भी उसका उतना ही रहेगा, चाहे मरकरी 5 ग्राम लो चाहे मरकरी 10 ग्राम लो, उसकी जो विस्कोसिटी उतनी ही रहेगी जितनी मानी गई है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड के 5 ग्राम डायमंड के थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ही है जितना जो है 1 ग्राम डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है
ये तो इंटेंसिव होगी जो मास पर डिपेंड नहीं करती, ना ही उसको आधा कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो एक्सटेंसिव जैसे मास है, मास पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे 5 लीटर है तो उसमें जो है 100 ml और डाल, सॉरी 1 लीटर और मिला देंगे तो वो चेंज हो जाएगी, वो जो है 600 लीटर हो जाएगी। तो इस पर फ़र्क पड़ा। वॉल्यूम पहले छोटे अमाउंट में है, बड़ा अमाउंट कर दो यानी कि बढ़ा दो तो उसमें भी वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये सब समझिए और अगर आ जाए तो इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं जो है अब जो है एक पेपर, प्रैक्टिस पेपर है, इसमें जो है हाईलाइट जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। बाकी तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है ही, ये देखते जाइएगा सॉल्व करते जाएगा, लेकिन मैं जो है वही क्वेश्चन इसमें जो है सॉल्व कराऊंगा जो आज तक पूछा जा चुका है। जैसे चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में पूछा है कि रेफ्रिजरेंट के जो है अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्ट क्या है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इट शुड हैव अ सब एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेंट कॉइल। ये एक तरह से क्या है, इसका अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है ये पांचवां सॉल्व कर लीजिएगा, वेब वाला भी सॉल्व कर लीजिए, सातवां भी कर लीजिएगा, आठवां भी, नौवां, दसवें पे चलते हैं ना। ये है इसमें क्या है, N2 और O2 मिलकर 2NO बना दिए, तो इसमें प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दो इसमें जो है 1 मोल 2 मोल, इसमें भी दो, इधर भी 2 मोल हैं उधर भी 2 मोल हैं, है ना। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो दोनों तरफ बराबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा जो है कह रहा है कि डैश डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या जो है अगर फेज हम बदलें जैसे सबलिशन मेल्टिंग या वेपराइजेशन कर दें तो क्या जो है चेंज नहीं होता, तो गिब्स फे एनर्जी जो है एक तरह से चेंज नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस जो डिजोल्व गैस है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो जो गैस डिजोल्व है वो क्या होगी, तो वो दोस्तों एट अ गिवन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट विथ इंक्रीज इन प्रेशर क्या होगी, तो सी रिमेन अनचेंज, है ना। लेकिन इसमें जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और इंक्रीज इन प्रेशर, तो ऑलरेडी डिजोल्व है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अनचेंज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर अ 1 मोल ऑफ प्योर सस्टेन द रेशियो ऑफ फ्री एनर्जी टू द केमिकल पोटेंशियल इज, तो बी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेंज ला को छोड़िए, इसके अलावा ये सब देखते जाइएगा। एक 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी इज इक्विवेलेंट टू द हीट रिमूवल रेट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा था मथुरा रिफाइनरी में, अगर आपको याद होगा 2019 के आसपास पेपर जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी जो है एक तरह से कितनी हीट का रिमूवल करता है, तो ऑप्शन नंबर सी है, 200 BTU/min, है ना। इसके अलावा जो है एंट्रोपी आपको बता दिया है ना, और रेफ्रिजरेटर किस पे वर्क करता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ये भी बता दिया। और देयर इज चेंज, किस में चेंज होता है, जब फेज ट्रांजिशन होता है तो वॉल्यूम में, है ना। वॉल्यूम जो है जैसे सॉलिड से लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा जो है ये CO+H2O हो गया, CO2+H2, इसका जो फेवरेबल कंडीशन पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। सो और यही क्वेश्चन आया था, तो इसमें जो है यही क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि एक जो थर्मिक है तो यहाँ पे एक तरह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो होगा फेवरेबल कंडीशन, और अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर दोनों तरफ काउंट कर लीजिए, तो इसका लेफ्ट साइड का प्रेशर जो है ऑलरेडी जो है कम है इक्विवेलेंट जो है प्रोडक्ट के साइड का से, है ना, प्रोडक्ट से कम है, तो यह हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। लासा तेलिया का नियम लग जाएगा इसमें। और इसमें जो है
थ्री कंपोनेंट लेके चल रहा है। ए गैस मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट इज वॉट इन अ कॉन्टेक्ट विथ अ डिस्पर्जन ऑफ अ ऑर्गेनिक फेज इन अ वाटर, ठीक है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको सॉल्व कीजिए, इसका निकालिए वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया फार्मूला ही है ना, और उस पर सॉल्व भी करवा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ टू गैस हैव अ सेम रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर तो उनका क्या सेम रहेगा, तो इसमें जो है नॉन ऑफ दीज आ जाएगा इसका। इसके अलावा फुगा सिटी के बारे में थोड़ा सा है, प्रेशर का कंसेप्ट, और द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस फंक्शन ऑफ इट्स, तो टेम्परेचर की है, इंटरनल एनर्जी जो एक तरह से टेम्परेचर का फंक्शन है। थर्ड लॉ किसके लिए हेल्पफुल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। और ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है एंट्रोपी क्या रहती है, तो ये बी जीरो से ज़्यादा। और जो हम टीएस डायग्राम यूज करते हैं कार्नोट साइकिल में, वो एक तरह से उसका शेप क्या है, ठीक है। तो उसका शेप है दोस्तों रेक्टेंगल, ठीक है, आपने देखा हुआ रेक्टेंगल होता है। और इसके अलावा जो लिक्विफाई, ये सब क्वेश्चन आप पढ़ते जाएगा, क्लाउड लिक्विफाई प्रोसेस एम्प्लॉय द कूलिंग गैस बाय द एक्सपेंशन ऑफ अ इंजन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पढ़ते जाएगा। ये सब लासा तेलिया का नियम क्या क्या है, ये सब सही है। आइसोलेटेड सिस्टम में जो है, ए आइसोलेटेड सिस्टम कैन एक्सचेंज, तो नाइदर मैटर नॉर एनर्जी हो जाएगा विद सराउंडिंग, ठीक है। बाकी ये देख लीजिएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं दिया है। और व्हेन अ गैस सब्जेक्टेड टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन इट गेट कूल ड्यू टू, किसकी वजह से कूल हो जाती है, तो एनर्जी स्पेंड इन डूइंग वर्क, क्योंकि जो है उस समय एनर्जी जो होती है वो काम करने में वो क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से गैस क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन होता है तो उस केस में वर्क डन जीरो, आपको बता दिया। और ये भी पढ़ लीजिएगा, आइडियल गैस लॉ अप्लीकेबल एट, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है 50वां, कि जो है आइडियल गैस जो है अप्लीकेबल है किस पे, तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, ऑप्शन नंबर डी ये क्वेश्चन आया हुआ। गिब्स फ्री एनर्जी की जो है फार्मूला हमने जो बताया था वो क्या है, तो ये फिजिकल टू एच माइनस टी एस है, ठीक है, बी। आइसोथर्मल प्रेशर के लिए इंटरनल एनर्जी जो मैंने ग्राफ बनाया था उसमें जो है अगर देखेंगे तो वो अनचेंज रहेंगे, यानी कि उसी के इक्विवेलेंट रहेगी। और रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है किस साइकिल के समान है, तो रिवर्स हीट इंजन के समान है, ठीक है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन, तो भी लिक्विड एक्सट्रैक्शन में है, पिक आउट द एंथैल्पी चेंज, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फुगा सिटी किसके लिए मोस्ट हेल्पफुल है, तो ये मैंने बताया था कि जो है एक तरह से रियल गैस के लिए ना, रियल गैस के बिहेवियर को देखने के लिए, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब होता है गैस का तो क्या होता है, तो नॉन ऑफ दिस कोक्स रूल, ये सब पढ़ लीजिएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, और ये सब पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं जो है उनको ही देख रहा हूँ जो आया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ गैस डिपेंड अपॉन इट्स, तो अगर एंथैल्पी का फार्मूला जानते हैं तो उसमें देखेंगे तो आपका जो है टेम्परेचर मेन जो है एंथैल्पी जो है गैस के उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में से क्या है क्या है, तो बस आप आधा करते जाइएगा, जो रहेगा वहीं आपका सही रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है, तो कई बार एचटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है और कहीं कहीं वैल्यू पूछ लेता है, तो 0 डिग्री और 1 एटमॉस्फेरिक। सीपी माइनस सीवी किसके लिए वैलिड है, तो ये ओनली आइडियल गैस के लिए, ठीक है। और ये है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है जिसका आंसर जो है 1 आया है। कैसे ये लाया है वो मैंने ट्राई किया था, 77 क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करना, कैसे लाया बताइएगा, क्योंकि इसमें फेज भी 1 ले लिया, कंपोनेंट भी 1 ले लिया है, जबकि एजोटोप मिक्सचर 2 अलग अलग होगा कोई ना कोई, जैसे
एजोटॉप मिक्सचर आपको अगर हम बताएं तो HCl और वाटर, वाटर और HCl दोनों एजोटॉप बना लेते हैं, तो कंपोनेंट तो दो होने चाहिए है ना, फेज भले ही एक हो। और मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक तरह से जब हो रहा है, वैक्स जो है मेल्ट हो रही है, तो उस केस में एंट्रोपी क्या होगी, तो एंट्रोपी ए डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि रेंडमनेस उसकी बढ़ जाएगी। बाकी जो है ये सब जो है कोई नहीं दिक्कत, तो इसमें भी जो है विच ऑफ द एम्प्लॉय एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल क्या है 83 में देखिए, तो सडन ब्रस्टिंग ऑफ साइकिल ट्यूब, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड ला से हमारा क्या कंसर्न निकल के आता है, तो एंट्रोपी का कंसेप्ट निकल के आता है, ठीक है। इसमें से कौन टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, तो ऑल फुगासिटी, एक्टिविटी कोएफिशिएंट और फ्री एनर्जी, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। और फॉर एन आइडियल गैस द एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होगी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे इंडिपेंडेंट रहेगा ना। ये जो है क्वेश्चन 90 वाला कि फुगासिटी और प्रेशर आर न्यूमेरिकली नॉट इक्वल फॉर अ गैस, क्यों, क्योंकि एट अ लो टेम्परेचर हाई प्रेशर और स्टैंडर्ड स्टेट इन दोनों पे नहीं होते हैं। और बाकी जो है थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए क्या प्रूव है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पे जो है द इन्वर्जन टेम्परेचर इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट गैस, ये सही है। जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो सभी गैसों के अलग अलग होता है ना। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या है, तो आपका बी है लिक्विड कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल, ये बी होना चाहिए या सी होना चाहिए, बॉयलर होना चाहिए इसमें, तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल जो है बॉयलर होना चाहिए, 94 का सी देख लीजिएगा जो है इसमें जो है गलत कहीं कहीं किया है, और इसीलिए जो है मैं लिख के ज़्यादा प्रिफर समझता हूँ, क्योंकि बुक से तो गड़बड़ी ज़रूर मिल जाती है कोई ना कोई। डोमेस्टिक में जो है रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज होता है, तो आपका एथिल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, ये सब पढ़ते जाइएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है वो सब आपको बता दिया कैसे निकालना है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, तो ये बहुत हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों व्हाट इज द एडियाबेटिक इंटरनल एनर्जी ऑफ ड्राई आइस, एक तरह से क्या है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना। और जो है हेनरी ला एक तरह से क्लोज ओबे गैस व्हेन इट्स, तो इसमें नॉन ऑफ दीज आ जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना लिया गया है, तो 20 और 760 mmHg लिया गया है। एक्सटेंसिव मेल्टिंग ऑफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 119 वाला, कि कोई बर्फ़ पिघल रही है तो वो एक तरह से क्या है, तो वो एक तरह से इंडोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो वो एक तरह से इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बाहर के टेम्परेचर को वो ले रही है ना, हीट ले रही है, एब्जॉर्ब कर रही है ना, तब पिघल रही है, ठीक है। इनो होमोजीनियस सॉल्यूशन, ये भी हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या सिग्निफिकेंस करता है, तो टेम्परेचर ऑफ हीट रिजर्वायर टू विच अ कॉन्वेक्ट इंजन रिजेक्ट नो हीट है ना, जो भी है इसका पढ़ लीजिएगा। और गैस परफॉर्म मैक्सिमम वर्क, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वर्क किस पर करेगी, तो अगर वो जो है आइसोबेरिकली एक्सपेंड होगी तो, ठीक है। गिव फ्री एनर्जी छोड़िए पॉइंट, तो ये तो ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा आपका, जिस पे जो है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज में रहेंगे, ठीक है। और डी गिव फ्री एनर्जी वही वाला क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है। और जो है आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन कह रहा है कि फॉर एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी एक्जोथर्मिक रिएक्शन में, ओनली एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज नेगेटिव, और सी लिखा है बोथ डेल्टा एच और डेल्टा ई आर नेगेटिव, दोनों सही है ना, सी वाला सही है, ठीक है। और
स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए जो है आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, इसकी वैल्यू तो सी यानी कि जीरो से ज़्यादा हो जाएगी, और ये तो उसका फार्मूला वो थ्योरी पूछ दिया है ना कि द एब्सोल्यूट एंट्रोपी फॉर ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट अ सब्सटेंस जीरो टेम्परेचर इज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी गैस क्या होती है जो है नेवर लिक्विफाई हाउ एवर हाई द प्रेशर में भी। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें से क्या है, तो इसमें कोई नहीं है, है ना। और बाकी जो है ये सब पढ़ते जाइएगा इत्मीनान से, कोई ऐसा नहीं है जो नॉ इम्पोर्टेंट हो, सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। इसमें जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या पता चला, तो ए डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के समय में, है ना। और बाकी जो है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये आपको बताया था। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन रेफ्रिजरेंट, तो भी इथाइलिन जो है एक तरह से नहीं है, और CO2 का जो है एक तरह से सब्लिमेशन टेम्परेचर पूछा है तो -78, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि CO2 कंप्रेसर में क्या होता है कि ये -78 डिग्री टेम्परेचर को नहीं लाए देते हैं, क्योंकि उस समय जो है पूरी जो है ड्राई आइस फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा याद रहेगा तो सही रहेगा। और आपका मोलियर चार्ट किसके किसके बीच में है, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में है, एक्स पे क्या होता है, वाई एक्सेस पे क्या होता है, वो सब आपको देखना है। ठीक है, ये सब देखना है दोस्तों। और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में क्या होता है, तो बी एयर होती है एज ए कूल कंडेंसर में। रोटरी लाइम क्लीन इज एग्जांपल ऑफ, ये दोस्तों ज़रूर रट लीजिएगा क्योंकि आया हुआ है कि रोटरी जो लाइम क्लीन होता है वो क्या है, तो ये एक तरह से ओपन सिस्टम है क्योंकि इसमें हीट के साथ साथ मास का ट्रांसफ़र होता है। आइसोबेरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, फोगासिटी क्या मेजर करती है, तो ये जो है आपको बताया था एक तरह से एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सम सब्सटेंस इन अ डिफरेंट फेज ऑफ सिस्टम। और इसके अलावा जो सिस्टम इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रीच एज सी मैक्सिमम ड्यूरिंग गैस में क्या है, ये सब पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, मैं बस वहीं इम्पोर्टेंट जो है वहीं जो है आ चुके हैं वहीं मैं बता रहा हूँ बस इसमें। और 181 एब्जॉर्प्शन विच इज़ द ट्रू फॉर वायरल इक्वेशन स्टेट, ये भी नहीं है। इसमें जो है इसमें कह रहा है 187 द वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन कंपेयर टू द एडियाबेटिक कंप्रेसर क्या होगा, तो ये अधिक होगा, क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। कंपाउंड हैविंग लार्ज हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर ऑन हीटिंग, हाँ जब पानी को 1 डिग्री से 4 डिग्री तक ले जाते हैं तो वो फैलता है, वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ता है। ठीक है, और ये किसके लिए ट्रू है, तो सी ओनली आइडियल गैस के लिए है। और मैक्सिमम वर्क कहाँ पे मिलेगा, तो आइसोथर्मल में मिलेगा। विच इज द फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज, तो डी नॉन ऑफ, ये जो है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसका फार्मूला देख लीजिएगा ए इक्वल टू ई माइनस टी एस, यहाँ पे एच माइनस टी एस उसका था, वैसे ही एच की जगह पे ई हो जाएगा। ठीक है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्री एनर्जी क्या होगी, तो ये डिक्रीज वेयर द एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और मेल्टिंग ऑफ आइस किस चीज़ का एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर बी आइस का पिघलना एक तरह से आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल ये क्वेश्चन पूछा है 202 वाला, इसको याद रखिएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए एग्जांपल ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी आइसोथर्मल। ठीक है, तो ये इसमें जो है 200 क्वेश्चन में लेके आया था,
फिर अभी बहुत टाइम है, 200 क्वेश्चन और अपलोड कर दूंगा अगर टाइम मिले तो। वैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स इसमें बहुत ही अच्छे से कवर हो चुकी है। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों केमिकल टेक्नोलॉजी का लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।